ये रोडो में आएंगे और क्या करेंगे बताओ? हाँ जी, अब छोटा सा बच्चा है, बच्चों को ठंड में लेके क्या काम करते हैं? हम लोग ढोलक का काम करते हैं, ढोल बेचने का। जी जरा सोचिए, 20 दिन 10 दिन का छोटा छोटा मासूम बच्चा है, ये परिवार कहाँ लेकर जाएगा? और ये बस्ती की जो हालत है। जी अम्मा बोली, हमारे छोटे छोटे बच्चा है दीदी, हम किधर जाएंगे? हमारे न जगह न ठौर, क्या करें, किधर जाए? मैं चाहती सरकार आप खाली जगह दे देना बैठने के लिए, हम किधर जाएंगे? ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे हमारे? अरे हम भाई ठंडी पाले में किधर जाएंगे? हमारे न जगह न जमीन है, क्या करें? वही एक ही बदहाली, एक ही सवाल, एक ही सवाल पर जवाब मांगने की कोशिश की जा रही है कि कहाँ ये लोग जाएंगे। ये तस्वीर देखें, ये हिंदुस्तान की असली तस्वीर है। सिलेंडर नहीं आपके पास? कुछ नहीं, चूल्हे में बनाते हैं। सरकार ने सुविधा नहीं दी? कुछ नहीं दिया। शौचालय भी नहीं है? कुछ नहीं है, न बाथरूम न शौचालय है, न घर है न मकान है। एक घर में पांच परिवार है, पांच बहू है, क्या सोए क्या रहे क्या खाए, देखो बैठे हुए हैं। धामी सरकार ने कोई वादा किया पूरा किया? कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। इलेक्शन बोर्ड ले आते, काम नहीं होता तो खाली छोड़ते हैं। हाँ, और क्या, वोट डालते हैं आप लोग? वोट लगातार डालते हैं, वोट लगातार वोट देते हैं, मगर कुछ सहायता नहीं करते हमारे। सहायता कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कोई सहायता नहीं है, सिर्फ वोट डालती है और सहायता कुछ नहीं है। जी जी बोले मैम, दिखाना है तो आप ये बड़े बड़े महल और मकान दिखाइए, ये तो झोपड़पट्टी है, वहाँ भी मैं जाऊंगी। सरकार ने कुछ यहाँ पर देखा ही नहीं है, अभी तक हमें पता ही नहीं कि कौन सी सरकार है। यहाँ पर तीन मुख्यमंत्री चेंज हुए, लेकिन इधर कोई ऐसी नजर नहीं डाली गई जहाँ पर कुछ दिखाना चाहिए था। यहाँ तक कोई सुविधा ऐसी भी नहीं हुई है कि यहाँ पर एक ढोलक बस्ती भी है। और हमने सरकार के लिए क्या नहीं किया, जब वोट पड़ता है तो सब आते हैं यहाँ पर, सब अपना हाथ जोड़, सब हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। विधायक बनने के बाद कौन आया? विधायक हमारे सुमित जी हैं, यहाँ पर हमारी बहुत सहायता करते हैं। अभी उनकी थ्रो वहाँ पर स्टे लगा हुआ है, अभी स्टे लगानी याचिका दर्ज हुई है, स्टे लगानी है अभी। 5 तारीख को वहाँ सुनवाई होगी, वहाँ से जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेंगे उन्हीं की आदेश पर हमें चलना पड़ेगा, ऐसा है। और ये सरकार जो पुष्कर सिंह धामी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, अभी तक कोई भी सुविधा नहीं की है और इस बस्ती के अंदर नज़र नहीं डाली। क्यों नहीं डाली? क्योंकि ये सब मोमडन बस्ती है, अब इसमें मोमडन और वो आ गया, दोहरी नज़रिया है जी। अगर सब सरकार यहाँ पर आ रही है, आम आदमी पार्टी आ रहा है, और ये जितने भी पार्टी वाले सब आए हैं, उस दिन यहाँ संगठन हुआ 19 तारीख को यहाँ हुआ था संगठन, तो सारे लोग आए थे, लेकिन एक बीजेपी यहाँ पर क्यों नहीं आया? बीजेपी नहीं आई? नहीं आई, रोतेला नहीं आए थे मेयर साहब, यहाँ पर आए नहीं, यहाँ पर सारी पार्टियाँ आई लेकिन वो नहीं आए, ऐसा क्यों? देखिए, वोट लेने के लिए भेदभाव, मुस्लिम इलाका को देखकर भेदभाव की बात की जा रही है यहाँ पर आती। जी जी, आज गरीब आदमी बर्बाद हो रहे, रेगा हो रहे, तो कोई सा मुख्यमंत्री नजर नहीं आ रहा कि गरीबों के लिए हमने सहायता कर ले। और जब भी वो हमसे सरकार बनी हुई, आज सरकार हमको इस बर्बादी के रास्ते में देख रहा। ऐसा भी तो करो कि जैसे तोड़ फोड़ होने की पहले भी कुछ तो सोचो सरकार, और हम कहाँ जाएंगे? जो हम हमारे ऊपर पहले तुम वार कर दोगे, लाठी चार्ज कर दोगे, तो हम जाएंगे कहाँ? जाएंगे, बच्चे हैं छोटे, तक लड़ेंगे लड़ाई आप लोग? अबे छोटे छोटे बच्चे हैं तो कब तक भगा करेंगे, कब तक लड़ाई लड़ा करेंगे? हमारी झुग्गी तोड़ने से पहले आप 70 बार सोचो कि इनके बच्चे बर्बाद होंगे, मरेंगे, गिरेंगे, वो किसके जुम्मे में रखा जाएगा? पहले इतने साल हमारे पास आप आ रहे, अब जब हमसे सरकार ऊंची बन गई तो आप हमको देखने आओ कि हमारी पब्लिक कैसी हो रही, हमारी पब्लिक कैसी बर्बाद हो रही, कौन सी रास्ते में ठंडे में मर रहे हैं और तकलीफ में मर रहे हैं। आज तक भी देखने, एक घर में पांच घर की परिवार सो रही, उधर बहू भी सो रही, बेटी भी सो रही, इधर पापा भी सो रहा, वो शर्म हाया कुछ भी नहीं। जब हाई नहीं, हमारे जगह ही नहीं, जमीन ही नहीं, तो क्या करें हम? हमारी झुग्गी तोड़ने से पहले सरकार से गुंजाइश है हमारी सहायता करें, हम आपको देखे कुछ, हमारी तरफ ध्यान करें। और ऐसे सरकार मत इतनी जल्दी हमसे दुश्मनी करें, हम सरकार के अभी भी हाथ जोड़ते हैं, सरकार हमारे तरफ की सहायता करें। चलिए, हर सभी यही गुजारिश कर रही हैं कि सरकार को एक बार मंथन करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। लेकिन मैं आपको वहां भी लिए चलूंगी जहां पर कि जमीन कहां से कहां तक है और क्या कुछ हालात है, उन तमाम चीजों को दिखाने की कोशिश में
मैं कर रही हूँ आपको, ताकि आप देख सकें हिंदुस्तान की असली तस्वीर ऐसी ही है जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, वही तस्वीर। हाँ वहाँ पर चलते हैं। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ढोल बेचने का काम करते हैं, किसी तरह से जिंदगी गुजर बसर करने का काम करते हैं, लेकिन ये इलाका दिखाना जरूरी आप लोगों के लिए इसलिए है ताकि आप लोग देखें कि यहाँ पर हो क्या रहा है, किस जिंदगी गुजर बसर करते हैं यहाँ पे तमाम लोग हैं। और मैं आपको आप सीधे लिए चलती हूँ जहाँ तक रेलवे की जमीन है, मैं उस जमीन तक ले जा रही हूँ। सीधे आप देखें ये जमीन कहाँ तक है, मैं वो दिखाऊंगी आपको। जमीन ये जमीन यहाँ तक है, जमीन यहाँ तक है, जमीन यहाँ तक है, और ये साफ कर दिया गया है कि जमीन जो पिलर यहाँ पर लगाया गया है जमीन यहाँ तक है।